अच्छा जी, ये होटल का नाम है स्कैंडिया बीच होटल। अच्छा, आपने अगर कोई चीज़ आपसे नुकसान होता है आपसे तो उसका जुर्माना भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। पे वाटर टैप उत्तरी 3500 भाग। हेलो गाइस, तो ये मेरा रूम है, यहाँ पे पताया मैं, स्कैंडिया बीच होटल इस होटल का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बैग बैग रख दिया अपना, यहाँ पे नीचे शूज़ वगैरह रखने की जगह है। लाइट बड़ी धीमी है यहाँ पे, पता नहीं क्यों, लाइट मैंने जलाने की कोशिश की है बट बहुत ही धीमी लाइट है यहाँ पे। और ये कबर्ड है, पता नहीं किसका तौलिया ऑलरेडी लटका हुआ है, उनको बोलता हूँ अभी उठाएंगे यहाँ से लाके। अच्छा, इसमें लॉकर भी है, अगर आपने लॉकर में कुछ रखना तो लॉकर में भी रख सकते हैं। इस तरह से मेरा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये दो लोगों के लिए बेस्ट है बट मैं अकेला ही रुका हूँ इस कमरे में। और एसी जो है भाई, सेंट्रल एसी तो नहीं है, इस तरह का एसी लगा हुआ है यहाँ पे। और ये है टीवी रखा हुआ है यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर में देखते हैं क्या रखा हुआ। अच्छा, पानी की बोतलें हैं, चलो एटलीस्ट ठीक है। यहाँ पे कॉफ़ी का कुछ सामान है, पता नहीं इसके चार्जेस हैं कि नहीं है, डोंट नो। और है यहाँ पे इस तरह से। अच्छा जी, और बाथरूम दिखाता हूँ आपको, ये बाथरूम है यहाँ का, ठीक है, काफ़ी क्लीन है, क्लीन करके रखा है उन्होंने ऑलरेडी, ठीक है एटलीस्ट। अच्छा, और क्या क्या दिया उन्होंने यहाँ पर हमें, शैम्पू की 2 बॉटल्स हैं और शावर जेल की भी 2 बॉटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये है मिरर। अच्छा, और ये है नहाने के लिए जगह यहाँ पे, नॉट बैड, सही है। अच्छा, टेबल भी है छोटी सी, यहाँ पे निकाल सकते हैं बाहर। और ये बाहर की जगह है होटल के बाहर। अच्छा जी, ये होटल का नाम है स्कैंडिया बीच होटल, ठीक है। जोमतियन बीच जो है यहाँ पे, उससे ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल 3-4 किलोमीटर का फासला है यहाँ से जोमतियन बीच का। अच्छा, ये क्या सामने गोल्डन इन रोज टोनी, पता नहीं क्या है, छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, चार्ज लिस्ट, भाई ये क्या चार्ज लिस्ट दी हुई है उन्होंने यहाँ पे। अच्छा, आपने अगर कोई चीज़ आपसे नुकसान होता है आपसे तो उसका जुर्माना भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 मिनट रुके, अब आ रहा होगा। अच्छा, ग्लास व्लास टूटा तो 30 दरहम, सॉरी 30 थाई बात। अच्छा, हैंड टॉवल जो है 100 बात, ये देख सकते हैं आप, पूरी चार्ज लिस्ट लिखी हुई है। कुछ भी नुकसान करेंगे ना आप इस हॉस्टल में, सॉरी होटल में, तो ये देख लें, नुकसान भरना पड़ेगा आपको। पहले ही डरा दिया इन्होंने भाई, अपन तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने वाले यहाँ पे। वाटर टैप उत्तरी 3500 बाद, और क्या क्या है, टेबल 5500 बाद। भाई किसी चीज़ को हाथ लगाने का नहीं है, सुकून से बिस्तर पे सोने का इधर, ठीक है। और कोई मस्ती मजाक नहीं करना है, 3 दिन बाद अपन ने निकल जाना है यहाँ से, ठीक है। तो इस चार्ज लिस्ट ने थोड़ा सा डरा दिया, लेकिन इसको हम वापस यहाँ अपनी जगह पे रख देते हैं, और बिना मस्ती मजाक किए हुए हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे 3 दिन बाद। चलें गाइस, तो ये देख लिया आपने, ये इस तरह से रूम है यहाँ पे मेरा, और ये मुझे पड़ा था तकरीबन 140-150 भात के आसपास, तकरीबन सॉरी 140-150 दरहम्स के आसपास, तकरीबन 3 डेज़ के लिए, 3 नाइट्स के लिए, 9, 10, 11, हाँ 3 नाइट्स के लिए तकरीबन 150 दरहम्स के आसपास पड़ा है। और 500 भात जो हैं, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो 500 भात ये एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो वो जब आप लीव करेंगे होटल तो आप उसको वापस मिल जाएंगे आपको। चलें, ओके, टेक केयर भाई, बाय।